हेलो जैन दोस्तों मैं राहुल सिंह राहुल वाईफाई स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जुड़ी खबर लेकर के मैं आपके समाचा आ चुका हूं जैसा कि देर शाम मैंने आपको बताया भी था कि आज कोई रिजल्ट घोषित हो सकता है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा और हुआ ऐसा ही जी हाँ देर शाम तक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने मंडी परिषद का रिजल्ट जारी कर दिया जो एग्जाम 30 मई 2019 को हुआ था उसका लिखित परीक्षा का परिणाम न कि अंतिम परीक्षा परिणाम बल्कि लिखित परीक्षा का परिणाम जारी किया गया है अब उसमें क्या चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगा कि ये फाइनल रिज़ल्ट जारी किया गया है या फिर कुछ पदों के लिए जारी किया गया है फ़ाइनल रिज़ल्ट कब तक जारी किया जा सकता है स्टोनो या फिर टाइपिंग टेस्ट कब कराया जा सकता है इन सब चीज़ों को लेकर के चर्चा हम लोग करेंगे इस वीडियो में उससे पहले चैनल पर नया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सबसे महत्वपूर्ण कि बेल आइकॉन की घंटी भी प्रेस कर लीजिएगा चलिए बढ़ते खबरों में आगे और देखते पूरी खबर नोटिफिकेशन यहाँ से यो नोटिस आप देख सकते हैं आज की यानी दस नवंबर दो की है ना उत्तर प्रदेश सेवा चयन पद आंसूलिपिक कनिष्ठ सहायक समान चयन एवं कनिष्ठ सहायक विशेष चयन थी यानी दो पदों के लिए भर्ती विज्ञापन का लिखित परीक्षा का परिणाम जारी किया गया है और जो पदों की संख्या थी यानी जो मंडी परिवेक्षक की थी और अधिकारी लेवल की जो परीक्षा जो पद थे उनका रिजल्ट अभी जारी नहीं किया गया है क्योंकि उनका बस लिखित परीक्षा के पराम पर लिखित परीक्षा परणाम पर सब कुछ आधारित है उसके बाद सीधे उनका डीबी टेस्ट यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा अब आगे चीजें क्या यहाँ से आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश अध्यक्ष सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या पाँच परीक्षा जो अठारह राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद संयुक्त संवर्ग प्रतियोगात्मक परीक्षा के अंतर्गत निदेशक राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद एवं उत्तर प्रदेश के के विभिन्न प्रकार कुल पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा तीस मई को कराई गई थी मैं आप बात हूँ पॉइंट पर अब यहां से महत्वपूर्ण लाइन आप लोगों के लिए लिखित परीक्षा के परिणाम के शोध में आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में आशु लिपिक सहायक विशेष चयन कनिष्ठ सहायक समान चयन रिक्त पद क्रमशः दस 18 सत्रह यानी ओवरऑल पैंतालीस पदों का भी लिखित परीक्षा का परिणाम जारी किया गया दिनांक दस नवंबर दो हजार बीस को अनुमोदित किया गया है जिसमें रिक्त पदों के सापेक्ष पांच गुना यानी पैंतालीस जो पद हैं उसकी पांच गुना अभ्यर्थियों को अंतिम अंक प्राप्त करने के लिए समस्तों को सम्मिलित करते हुए कुल दो सौ इकसठ अभ्यर्थियों को चयन के अगले चरण के परीक्षा तो आहर घोषित किया गया है यानी पाँच गुना यानी दो अभ्यर्थियों को पैंतालीस पदों के लिए कॉल किया गया है जो है टेक्निकल टेस्ट के लिए है ना तो बाकी और जो पद हैं यहाँ से आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण लाइन ये भी आप लोगों के लिए छः नंबर में आप इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ और समस्त अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि लिपिक कनिष्ठ सहायक समान चयन कनिष्ठ सहायक विशेष चयन के रिक्त पदों पर चयनित हित अगले चरण यानी लिपि व टंकड़ परीक्षा संपन्न हो जाने के उपरांत लेखा लिपिक है ना मंडी पर्यवेक्षक श्रेणी टू व मंडी निरीक्षक आमीन नीलामकर्ता सहित प्रश्नगत विज्ञापन में सम्मिलित समस्त पदों यानी कुल दो सौ चौरासी का अंतिम परिणाम यथासमय घोषित किया जाएगा अब यहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आखिरकार जो रिजल्ट जारी किया गया है तो सिर्फ सिर्फ दो पदों के लिए जारी किया गया है जूनियर असिस्टेंट और आंसू लिपिक के लिए अब महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ ये भी है कि आखिरकार फाइनली रिजल्ट कब तक घोषित किया नहीं यही आपको पता होगा डेढ़ साल बाद ये रिजल्ट जारी किया गया है मंडी परिषद का अब मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ 2020 तो आप समझ ही रहे हैं 2020 में इसका कुछ भी नहीं कराया जा सकता है अभी तो पुराना जूनियर असिस्टेंट का पाँच पदों का टाइपिंग टेस्ट बचा है वो टाइपिंग टेस्ट हो जाने के बाद भी मंडी परिषद का टाइपिंग टेस्ट दो बच्चों को कॉल किया जाएगा इस चीज़ का जल्दी ध्यान दीजिएगा और अभी आपके पास टाइम है क्योंकि दिसंबर सॉरी दो हज़ार में आपकी परीक्षा टाइपिंग नहीं होगी या फिर स्टोनो की नहीं होगी तो ये अब मार्च फरवरी तक फाइनल रिजल्ट इसका जारी किया जाने की संभावना है मंडी परिषद का फाइनली तौर पर यह फरवरी मार्च 2021 में ही जारी की जाएगी इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा है ना कटाप की बात कर लें तो कटाप जो गया आप देख सकते हैं लिपिक का अनुरक्षित का दो गया है वहीं एस का दो और अनुसूचित जात के लिए कुछ नहीं है ओ के लिए दो है सीटें नहीं हो रही हूँ अब छठे अक्षर की बात कर तो महिला के लिए दो गई हैं और जो हमारे दिव्यांग हैं उनके लिए एक वहीं कनिष्ठ सहायक की बात कर तो दो सौ नंबर लंबा कटाव है अनुसूचित जात के लिए दो और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी दो सौ कटाव रखी गई है तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है मंडी परिषद का रिजल्ट जो फाइनली तौर पर कागज तक नहीं जारी किया गया है ये लिखित परीक्षा दो पदों के लिए जारी किए गए हैं आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है जो छात्र इन सब चीज़ों को नहीं समझ पाए हैं उनको मैं पूरी तरीके से क्लियरिटी वहाँ पर कर दिया है है ना आपका फाइनली रिजल्ट अंतिम रूप से जारी किया जाएगा तब उसमें जो है चीज़ें सब कुछ फाइनली तौर पर हो जाएंगी है ना तो ठीक है इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार